जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही देख रहे हो, बिल्कुल सही सुन रहे हो। ईद की छुट्टी का ऐलान हो चुका है कतर में दोस्तों, लेकिन कौन सी दुकानें बंद रहेगी, कौन सी दुकानें खुलेगी, क्या क्या चीज़ों में काम होगा, क्या क्या चीज़ों में नहीं काम होगा, किसके लिए क्या कंडीशन है, क्या शर्तें हैं, क्या रूपरेखा है, सब कुछ तैयार कर लिया कतर गवर्नमेंट ने और जारी कर दिया। चलिए मैं आपको बताता हूँ पूरी रूपरेखा, ये आप भी नहीं जानते होंगे, तो दोस्तों वीडियो पूरा देखना। पूरा देखने के बाद अच्छा तो लगेगा ही, मुझे विश्वास है, ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर अच्छा नहीं लगे तो दोस्तों कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बताना। तो चलिए न्यूज़ की ओर, क्या है। तो दोस्तों एचई से खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी प्राइम मिनिस्टर जो हैं और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर हैं, उन्होंने दोस्तों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग ली। मीटिंग में दोस्तों डिसाइड लिया गया कि जितने भी काम हैं, काम धंधे हैं, जितने भी शॉप है, दुकानें हैं, कॉमर्शियल एक्टिविटी, वो सबको 19 मई से 30 मई तक बंद कर दिया जाएगा। मतलब कि छुट्टी रहेगी दोस्तों, लेकिन कुछ चीज़ें चालू रहेगी। फूड एंड कैटरिंग शॉप है, खाने पीने के सामान है, दवाइयाँ की दुकान है, रेस्टोरेंट जो डिलीवरी देती है वो सब चालू रहेंगे, और क्या क्या रहेंगे देखते जाइए, बहुत अच्छा न्यूज़ है। तो दोस्तों 19 से 30 तारीख तक छुट्टी का ऐलान हो गया है दोस्तों, और इसमें से कुछ चीज़ें अदर नेसेसरी एक्टिविटीज़ एग्जेम्प्टेड, कुछ चीज़ों को माफ़ी है, क्या क्या माफ़ी है वो भी देख लेते हैं दोस्तों। लेकिन वो सब चीज़ें बताऊँ, उससे पहले बता दूँ, गवर्नमेंट ने आपको रिक्वेस्ट की है कि एतराज एप्लीकेशन जो है प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कीजिए, आधी सी ज़्यादा समस्याएं इसी एप्लीकेशन से आप दूर कर सकते हो खुद ही। तो क्या क्या डिसीजन लिया गया कैबिनेट की मीटिंग में, क्या क्या अनाउंसमेंट किया गया वो बता दूँ। सबसे पहला अनाउंसमेंट क्या हुआ, फर्स्ट में देखिए, इसमें देखिए, ऑल सिटीजन्स एंड रेसिडेंट्स आर ऑब्लीगेटेड टू इंस्टॉल द एतराज एप्लीकेशन ऑन स्मार्टफोन व्हेन लीविंग द हाउस। घर से बाहर निकलने से पहले एतराज एप्लीकेशन है प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, उसके बाद ही घर से बाहर निकलो, ऐसा कहा है, डिसीजन लिया है। दिस डिसीजन इज इफेक्टिव फ्रॉम फ्राइडे 22 मई 2020 अंटिल फर्दर नोटिस। 22 मई 2020 के बाद से आप जब भी बाहर निकलेंगे चेकिंग की जाएगी, तो हो सकता है इसके लिए पनिशमेंट का भी प्रावधान हो, सज़ा का भी प्रावधान हो, लेकिन फिलहाल ऐसा बताया नहीं गया। लेकिन आप ज़रूर डाउनलोड कर लो मोबाइल ऐप में आज ही अभी तुरंत एतराज ऐप, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट क्या, सेकेंड पॉइंट में दोस्तों, सेकेंड पॉइंट में फर्स्ट बता दूं, ऑल सिटीजन एंड रेसिडेंट आर ऑब्लिगेटेड नॉट हैव मोर देन 2 पर्सन इन द व्हीकल एंड मैक्सिमम 3 पर्सन आर परमिटेड इन द फॉलोइंग केसेस। कोई भी व्हीकल है उसमें 2 पर्सन से ज़्यादा नहीं जा सकते, लेकिन 3 पर्सन भी जा सकते। किस केस में, ट्रांसपोर्टेशन इन टैक्सीज एंड लिमोजिनेस। अगर आप टैक्सीज में जाते हैं, लिमोजिनेस में जाते हैं, तो 3 आदमी 3 लोग जा सकते हैं। दूसरा कंडीशन, दूसरी शर्त क्या है, ट्रांसफ़र इन प्राइवेट व्हीकल्स व्हेन ड्राइवन बाय द फैमिली ड्राइवर। अगर आपका परिवार का कोई आदमी गाड़ी चला रहा है या औरत कोई गाड़ी चला रही है, तो ही 3 लोग ड्राइव कर सकते हैं, नहीं तो 2 लोग ही ड्राइव कर सकेंगे। साथ में दोस्तों, एम्बुलेंस एंड ए व्हीकल बिलोंगिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ, हेल्थ डिपार्टमेंट की या सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की या मिलिट्री के डिपार्टमेंट की कोई भी गाड़ी है या एम्बुलेंस है, उन सब में छूट है, उन सब में कितने भी लोग जा सकते हैं उनके लिए छूट है। डिसीजन रिगार्डिंग रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ पीपल ट्रांसपोर्टेड बाय बस टू हाफ द कैपेसिटी ऑफ बस। बस में जितने सवारी सफ़र करते हैं उसका आधा सवारी सफ़र करेंगे। मान लो एक बस में 50 लोग अभी तक आते जाते थे, तो अब 50 नहीं आएंगे, 25 ही लोग जा सकेंगे, ऐसी व्यवस्था कर दी गई है, ठीक है। अगले पॉइंट की ओर, थर्ड पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों, द प्रैक्टिस ऑफ स्पोर्ट्स शैल बी इन द एरियाज ऑफ क्लोज टू द रेसिडेंस एरिया, टेकिंग टू अकाउंट अवॉइडिंग गैदरिंग ड्यूरिंग द एक्सरसाइज एंड टेकिंग द नेसेसरी प्रिकॉशन। जो आपका स्पोर्ट्स खेलकूद है वो कर सकते हैं, लेकिन रेसिडेंस एरिया के नज़दीक होना चाहिए। साथ में दोस्तों, वहाँ भीड़ इकट्ठी ना हो इस बात का ध्यान रखेंगे, और साथ में प्रिकॉशन जो है, जैसे हाथ फेस मास्क पहन के, ये फिर एक दूसरे से डिस्टेंस बना के, ये सब चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और ये निर्णय 19 मई 2020 से लेकर आगे तक डिसीजन यही रहेगा। चौथा पॉइंट दोस्तों, द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर शैल टेक द नेसेसरी मेजर इन दिस रिगार्ड। और इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर टाइम टू टाइम नोटिस बाहर निकालती रहेगी, जैसे ही कोई नई नोटिस आती है मैं आपको बताऊंगा। पांचवा पॉइंट क्या है दोस्तों, ये चौथा पॉइंट था, पांचवा पॉइंट, क्लोजिंग शॉप एंड स्टॉपिंग ऑल कॉमर्शियल एक्टिविटी ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 19 मई टू 30 मई विद द एक्सेप्शन ऑफ फूड एंड कैटरिंग शॉप फार्मासिस्ट एंड रेस्टोरेंट्स। तो मतलब जो भी दुकानें हैं, शॉप्स हैं, कैटरिंग शॉप है, ये सब बंद रहेगी दोस्तों कॉमर्शियल एक्टिविटी वाली 19 मई से लेकर 30 मई तक। लेकिन जो खाने पीने के सामान हैं, दुकानें हैं, वो चालू रहेगी, जैसे फल हुआ, फ्रूट हुआ, वेजिटेबल्स हुए, फिर दवाई की दुकानें हुई, रेस्टोरेंट, वही रेस्टोरेंट चालू रहेंगे जो होम डिलीवरी करते हैं, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों, जितने भी ट्रेड एंड इंडस्ट्री के मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं वो मिनिस्ट्री के डिसीजन पे चालू रहेंगे, बाकी सभी चीज़ें बंद रहेगी 19 मई से 30 मई तक।
और छठा पॉइंट दोस्तों, छठा पॉइंट ये है, जो ऊपर बताया गया है उन नियमों का उल्लंघन करता हुआ जो भी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, साथ ही साथ उसको 3 साल तक की जेल हो सकती है या फिर 2 लाख कतर रियाल का फाइन लग सकता है, या फिर 3 साल की जेल भी हो सकती है और 2 लाख रुपया का भी उसको फाइन लग सकता है दोस्तों। तो बिल्कुल ध्यान रखें, अपने साथियों को भी बताएं, दोस्तों को भी ज़रूर बताएं, आप लोग तो सुन लिए खुश हो गए क्या नियम है क्या नहीं, दोस्तों को भी बताइए, साथियों को भी बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।